अस्सलाम वालेकुम। तो नाज़रीन, मैं आपको बताती हूँ कि हमारे घर में कढ़ाई कैसे बनती है। तो सबसे पहले हमें लेनी है चिकन, और ये जो पेस्ट आपको दिख रहा है इसको टमाटर और हरी मिर्चों को पेस्ट बनाया है हमने मिलके, और एक्स्ट्रा टमाटर चाहिए होंगे हमें। तो सबसे पहले हमने तेल के अंदर कढ़ाई मुर्गी डाल दी है, और इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। इसको अच्छी तरीके से फ्राई करना है जब तक चिकन अपना रंग नहीं बदल ले, या तो लाइट ब्राउन नहीं हो जाए या गोल्डन नहीं हो जाए। उसके बाद हमने इसमें हल्का सा नमक डाल देना है ताकि चिकन फीकी फीकी ना लगे खाने के अंदर। जब मुर्गी फ्राई हो जाए तो उसके बाद हमने इसको डिश आउट कर लेना है, डिश में निकाल देना है और अलग रख देना है, क्योंकि हम इसको अगर साथ ही इसमें पका देंगे सब चीज़ें तो मुर्गी टूट जाती है। तो हमें मुर्गी को अलग निकाल के रख देना है डिश में। उसके बाद हमने तेल के अंदर हमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देना है, जितना आपका दिल चाहे। वैसे हम सिर्फ दो बंदों के लिए कढ़ाई बना रही थी मैं, तो इस वजह से मैंने 3 टीस्पून डाले थे लहसुन अदरक के पेस्ट के। उसके बाद हमको उसको अच्छी तरीके से भून लेना है ताकि लहसुन अदरक की जो खुशबू होती है, जो स्मेल होती है उसकी, वो उड़ जाए। क्योंकि जब ये खाने में आती है तो कच्ची कच्ची लगती है, तो हमें इसको तेल में अच्छी तरीके से, बिल्कुल अच्छी तरीके से फ्राई कर देना है। उसके बाद हमने इसमें वो जो पेस्ट बना के रखा था वो पेस्ट हमने डाल देना है। उसको हमने अच्छी तरीके से फ्राई करना है ताकि मसाला आपस में घुल मिल जाए, तेल आपस में घुल मिल जाए। फिर आप कोई भी कढ़ाई मसाला ले लें, शान का कढ़ाई मसाला ले लें, या किसी भी ब्रांड का आप शाही कढ़ाई मसाला ले सकते हैं। तो मैंने शान का लिया था यहाँ पे कढ़ाई मसाला। उसको हमने अच्छी तरीके से भून लेना है, बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो मैंने आपको पहले भी बताया था अपनी वीडियो में कि हमारे घर पे स्पाइसी ज़्यादा खाते हैं, तो इसके अंदर मैं कुटी मिर्चें भी ऐड करूँगी, क्योंकि हमारे घर में फीका खाना कोई भी नहीं खाता, सब स्पाइसी खाते हैं। हमारे घर में स्पाइसी लवर ज़्यादा हैं, तो इसके अंदर मैं कुटी मिर्चें ऐड करूँगी, उसको अच्छी तरीके से भून लूँगी मैं कुटी मिर्चों को। कुटी मिर्चों को अच्छी तरीके से भूनने के बाद और मसाला भूनने के बाद इसके अंदर हम टमाटर ऐड कर देंगे, और टमाटर को अच्छी तरीके से गलाएंगे। पहले हम इसको अच्छी तरीके से हिलाएंगे ताकि मसाला आपस में अच्छी तरीके से घुल मिल जाए। उसके बाद टमाटरों को बिल्कुल हमने कुचला कर देना है, पेस्ट बना देना है टमाटरों को हमने, बिल्कुल टमाटरों को हमने पीस देना है ताकि टमाटर मुँह में ना आए। टमाटरों को पीसने के बाद हमने इसमें चिकन ऐड कर देनी है। उसके बाद इसको अच्छी तरीके से हिलाना है, एक दूसरे के अंदर मिलाना है। उसके बाद हमने इसमें नमक डालना है, बिल्कुल हसबे ज़ायका डालना है नमक हमने इसमें। अपनी पहले वाली वीडियो में मैंने एक मसाला बनाने की रेसिपी बताई थी, तो वो मसाला भी मैंने इसके अंदर ऐड किया था, आप मेरी पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो ये जो पीछे से बच्चे की रोने की आवाज़ें आ रही हैं, तो इसको इग्नोर किएगा, मेरा बेटा है उठ गया है नींद में से। उसके बाद हमारी कढ़ाई हो गई तैयार, अब हम इसको हरे धनिया और हरी मिर्चों के साथ गार्निश करेंगे। हमारी मज़ेदार कढ़ाई बनने के तैयार है, आप इसको मेहमानों के सामने रखें, इंशाल्लाह ताला मेहमान ज़रूर तारीफ़ करके जाएंगे। बहुत मज़े की कढ़ाई बनी, आप इसको गरम गरम रोटी के साथ सर्व करें। कढ़ाई बहुत मज़े की बनी थी, माशाल्लाह से मेरी रेसिपी पास हो गई है। और उसके बाद हमने खाए रोल।